हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ बिल्कुल आ गया हूँ फिर से। अब देखिएगा इस वीडियो में है क्या। ड्यूरिंग एंड वाइल जब भी हम कोई क्वेश्चन मैं कभी भी ड्यूरिंग और वाइल यूज़ करना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूरिंग कब यूज़ करें और वाइल कब यूज़ करें, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है के दौरान। मतलब कोई चीज़ अब चल रही हो, किसी चीज़ के दौरान कोई चीज़ हो रही हो, तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग या वाइल यूज़ करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हम जनरली ड्यूरिंग यूज़ करते हैं बट हम वाइल भी यूज़ करते हैं, तो हम कैसे ड्यूरिंग और वाइल हमें यूज़ करना है, तो इसका मैं आपको कंसेप्ट लेकर आया हूँ। तो देखिए, जैसे ड्यूरिंग द फिल्म वाइल वी वर प्लेइंग, यहाँ पे ड्यूरिंग यूज़ किया है और यहाँ पे वाइल यूज़ किया है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ड्यूरिंग द फिल्म, तो ये द फिल्म क्या आपका ये नाउन है, क्या है आपका ये नाउन है। दैट मीन्स ये कि जब भी आप ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे आप नाउन के पहले करेंगे, किसके पहले करेंगे आप ड्यूरिंग का यूज़, नाउन के पहले करेंगे। और यहाँ पे लिखा वाइल वी वर प्लेइंग, तो यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या आपका वर्ब आ रही है, क्या आ रही है वर्ब। तो वाइल का आप यूज़ तब करेंगे जब आपका क्या हो वर्ब हो, क्या हो आपका वर्ब। तो बेसिकली जैसे कि आपने कहा ड्यूरिंग दी फिल्म, जैसे शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग दी फिल्म, उसने मुझे कॉल किया फिल्म के दौरान। जैसे वाइल वी वर प्लेइंग, वाइल वी वर प्लेइंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कहेंगे कि शी कॉल्ड मी वाइल वी वर प्लेइंग, उसने मुझे बुलाया जब हम खेल रहे थे। तो जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस पे देख लेते हैं, वी डिडेंट स्पीक वाइल वी वर ईटिंग, हम नहीं बोलते हैं किसके दौरान, जब हम क्या कर रहे हैं खाना खाने के दौरान हम बोलते नहीं हैं। तो वी डिडेंट स्पीक वाइल वी आवर ईटिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब बेसिकली आप देखें तो जब नया वाइल जो होता है जनरली नए सेंटेंस के पहले यूज़ हम करते हैं। जैसे देखिएगा वी डिडेंट स्पीक, ये सेंटेंस ख़त्म हो गया, वाइल वी आवर ईटिंग, तो मतलब जब वाइल का यूज़ हम कब करेंगे, जब नया सेंटेंस होगा उसके बीच में हम इसको लिंक कर देंगे। लेकिन जो ड्यूरिंग का यूज़ होता है वो आपका उसी सेंटेंस में ही बीच में यूज़ होता है जस्ट नाउन के पहले। जैसे आप देखेंगे वी डिडेंट स्पीक ड्यूरिंग द मील, जैसे वी डिडेंट स्पीक वाइल वी वर ईटिंग, तो यहाँ पे नया वर्ब आया तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे वाइल यूज़ किया, वी डिडेंट स्पीक ड्यूरिंग द मील। तो देखो ये इसी एक ही सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस क्या है एक ही है। तो ड्यूरिंग द मील, तो जस्ट नाउन के पहले ड्यूरिंग पुट कर दिया हमने, तो बिल्कुल अब जैसे आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स लुक्ड वेरी बोर्ड ड्यूरिंग द क्लास, तो ये एक ही सेंटेंस है। तो मतलब क्लास के जो स्टूडेंट हैं बहुत बोर दिख रहे थे क्लास के दौरान, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास आ गया, ड्यूरिंग द क्लास। तो जैसे ही फॉन्ड, देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, वाइल यू वर आउट, जब आप बाहर गए थे के दौरान। तो ये जब आप ये वाइल जो यूज़ करा है आपने, जनरली क्या होता है यहाँ पे जब दो सेंटेंस होंगे, जब वाइल का कब यूज़ करें, जब आपके दो सेंटेंस होंगे और दो सेंटेंस के बीच में आपका एक सेंटेंस के जस्ट बाद वाइल होगा और फिर पूरा सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग आपका पूरा सेंटेंस रहेगा जिसकी बात हो रही हो उसके जस्ट पहले, मतलब नाउन के जस्ट पहले आपका ड्यूरिंग आ जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन था आपका ड्यूरिंग का, जस्ट अब आपका हो सकता है आपका फिनिश हो गया होगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और बात, आप कमेंट जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, तो हमें भी पता चले कि आप कितना वीडियो को पसंद करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।